एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करूंगी शोल्डर लेंथ हेयर हैं अगर आपने साड़ी पहनी है तो किस तरीके से आप बन बना सकते हो। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम कर्ली बालों में शोल्डर लेंथ हेयर में हाई बन बना के दिखाइए, तो उनकी रिक्वेस्ट भी कम्प्लीट हो जाएगी और बहुत सुंदर सा आपको एक बन मिल जाएगा। तो साड़ी पर अगर छोटे बाल हैं तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। सबसे पहले हम लोग बालों की ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे। ओके, ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद से बैक के सारे बालों को एक हाई पोनीटेल बनाएंगे। ओके, अच्छे से कॉम करके एक हाई पोनी बना लेंगे। टाइटली पोनी बना लेंगे। पोनी बनाने के बाद से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेंगे ताकि जो आपका हेयर है वो ज़्यादा चिपका चिपका सा फ्लैट सा फील ना हो। ओके, उसके बाद से एक डोनेट लेंगे और बन पोनी के ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे। उसके बाद से सारे बालों को का हाफ हाफ पार्टिंग करेंगे इस तरीके से और डोनेट के चारों तरफ फैलाते हुए एक पतले वाले रबड़ बैंड की मदद से तो इस तरीके से फैला के पतले वाले रबड़ बैंड की मदद से इसको डोनेट के चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। उसके बाद जो आपके हेयर हैं डोनेट के पास उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से और हाफ पार्ट को इस तरीके से लपेटेंगे और यू पिन से इसको सेट कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे वाले साइड के हेयर को भी डोनेट के चारों तरफ लपेटना है और यू पिन से सेट कर देना है। ओके, आप चाहो तो 3-4 यू पिन्स लगा सकते हो ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है बन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे टाइम तक बना रहे। इसके बाद आपको फ्रंट वाले हेयर की बारी आती है। जो आपके फ्रंट के हेयर हैं इनको इस तरीके से छोटा छोटा सेक्शन लेके ट्विस्ट करना है। ओके, ट्विस्ट करके थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे और एंड तक ट्विस्ट करेंगे और बन के पास इस तरीके से लपेट के यू पिन से सेट कर देंगे। ओके, फिर जो ये वाला हेयर है इसको भी ट्विस्ट करेंगे। साइड के लेयर्स ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको थोड़ा लूज करेंगे और इसको भी बैक में ले जाके अगर आपके पास टिक टैक क्लिप है तो उससे सेट कर लीजिए, बॉबी क्लिप है तो बॉबी क्लिप से सेट कर लीजिए। अगर लॉन्ग हेयर हैं तो आप बन में इसको भी लपेट सकते हो, बट मेरे शॉर्ट हैं तो मैं इस तरीके से यहाँ पर क्लिप ऐड कर देंगी। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बना लेना है। ओके, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है। आप शादी पार्टी में भी बना सकते हो, कोई त्यौहार है तो आप बना सकते हो, कहीं जा रहे हो शादी पार्टी के फंक्शन में तो आप इस तरीके से बन बना सकते हो। अच्छे से बना लीजिएगा। और यू पिन से सेट कर लेना है। थोड़े यू पिन्स ज़्यादा लगेंगे इसमें। यहाँ से भी हेयर्स को लेना है, लेयर्स छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हो जैसे मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे। और बैक में ले जाके सेम उसी तरीके से बॉबी क्लिप से सेट कर देंगे। और एक दो यू पिन्स और ऐड करेंगे और ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है।
तो काफ़ी है ना, काफ़ी इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा। शादी पार्टी में भी आप ये बना सकते हो। यहाँ से मैं थोड़ा सा खींच ले रही हूँ ताकि मेरे बालों को थोड़ा बाउंसी लुक मिल जाए और ज़्यादा फ्लैट ना दिखे इसके लिए। तो ये है बन का फाइनल लुक। अभी आपको मांग टीका लगाना है तो आप लगा सकते हो। तो ये तीज का त्यौहार है, इसमें मांग टीका लगाना ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ। मांग टीका लगा के इसको भी एक क्लिप की मदद से सेट कर देंगे ताकि आपका मांग टीका कहीं खो ना जाए, गिर ना जाए, इसलिए। तो ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।